जय भोलेनाथ। वेलकम टू बीएस सोलंकी चैनल निम्बज। आज हम दर्शन करने जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर काठियावाड़। सबसे पहले हम शिव चरणों के अंदर इस शिवलिंग के सामने अपनी वंदना करते हैं और जानते हैं कि ये शिवलिंग मंदिर सोमनाथ का यहाँ पर कैसे स्थापित हुआ, कैसे इस मंदिर को बार बार तोड़ा गया और कैसे कैसे इसका पुनर्निर्माण हुआ। तो चंद्रदेव ने राजा दक्ष की समस्त कन्याओं के साथ में इनका विवाह हुआ था, लेकिन चंद्रदेव जो हैं वो केवल रोहिणी से अधिक स्नेह करते थे। जब ये शिकायत अन्य पुत्रियों ने राजा दक्ष को की, दक्ष ने चंद्रदेव को समझाया, लेकिन चंद्रदेव न मानने पर दक्ष ने नाराज होकर के चंद्रदेव को श्राप दे दिया। और चंद्रदेव ने इसी स्थान पर इसी शिवलिंग की स्थापना की थी ब्रह्मा जी के कहने पर, और भगवान शिव प्रसन्न हुए थे। ये मंदिर का वो दृश्य आपके सामने, जिसको बार बार आक्रांताओं के द्वारा तोड़ा गया, कहते हैं इसको बार बार 6 बार तोड़ा गया, इसकी संपत्ति को लूटा गया, इसको नष्ट करने का प्रयास किया गया, लेकिन जितनी बार तोड़ा गया ये बन करके वापस तैयार हो गया। तो चंद्रदेव के द्वारा इस शिवलिंग की स्थापना के परिणाम स्वरूप इसका नाम रखा गया सोमनाथ। इस मंदिर का निर्माण कब हुआ इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। ये मंदिर बहुत पुराना है, इसका उल्लेख ऋग्वेद, महाभारत, मध्यभागवत, स्कंद पुराण के अंदर भी मिलता है, यानी कि इसके निर्माण की सही सही जानकारी किसी के पास में नहीं है। यह मंदिर ईसा पूर्व भी अस्तित्व में था ये बात मानी जाती है। सबसे पहले इसका पुनर्निर्माण 649 ईस्वी के अंदर वल्लभी के मैत्रिक राजाओं ने करवाया था। उसके बाद में पहली बार इसको 725 ईस्वी में सिंध के मुस्लिम सूबेदार अल जुरेद ने तुड़वाया था। उसके बाद प्रतिहार राजा नागभट्ट ने 815 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण करवाया। फिर महमूद गजनवी ने 1024 के अंदर इस मंदिर को लूटा और मंदिर को नष्ट कर दिया। उसके बाद में गुजरात के तत्कालीन राजा भीमदेव सोलंकी व मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। 1093 के अंदर गुजरात के तत्कालीन शासक सिद्धराज जयसिंह सोलंकी ने इस मंदिर के निर्माण के अंदर अपना सहयोग प्रदान किया, लेकिन 1297 में अलाउद्दीन खिलजी ने मंदिर को पुनः तुड़वाया। 1395 में सुल्तान मुजफ्फर शाह ने मंदिर को फिर तुड़वाया और लूटा। 1412 में अहमद शाह ने फिर मंदिर को लूटा। औरंगजेब ने 1665 और 1706 में मंदिर को तुड़वाया और भयंकर कत्लेआम किया। इसके बाद भारत की आज़ादी के बाद में 1950 के अंदर भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया और भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने ये राष्ट्र को समर्पित किया। उसके बाद में ये मंदिर आज हमारे सामने दर्शन के लिए उपलब्ध है। अरब सागर के तट पर स्थित ये मंदिर अपनी शोभा, अपनी कृपा और अपनी धन संपदा के लिए युगों युगों से दुनिया के सामने एकमात्र ऐसा मंदिर जिसको बार बार लूटा गया, बार बार लूटा गया, लेकिन जितनी बार आक्रांताओं ने लूटा उतनी बार धर्म प्रेमियों ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। बोलिए भोलेनाथ की जय।